pursuing my PhD into international law. And we are the first and pioneer to start few of the seminars concerned with the international law in export-import business. Right? This kind of seminars, so far we know, had never ever been conducted into India, because I had met to IIT also. Vijay Katni madam se wahan pe. Unko bhi maine pucha, madam, do we carry on any case studies? Madam ne bola, no. We don't carry on any case studies. Because learning law is a very, you know, very cumbersome activity. Aap mein se koi ek to lawyer bhi hai. मेरे को एक तो लॉयर भी आने वाले थे, कोई है? कोई नहीं आएंगे शायद, जो लॉ पढ़ने वाले हैं, या लॉ आपने कहीं पढ़ा भी होगा, सिविक्स तो पढ़ा होगा, एटलीस्ट कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा होगा स्कूलिंग में, याद करो पुराने दिन, याद रहती थी क्या सिविक्स? एटलीस्ट मेरे को तो याद नहीं रहती थी, बिकॉज वेरी हार्ड फॉर मी टू अंडरस्टैंड सिविक्स, राइट? कॉन्स्टिट्यूशन बोले कि कोर्स जो होते हैं ना, आर्टिकल्स इतने बोरिंग होते हैं कि उसको याद रखना और उसके इंटरप्रिटेशन करना, क्योंकि सबसे पहले उसकी लैंग्वेज ही क्या होती है, निगेटिव. इट इज सपोज दैट यू नॉट डू दिस 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 काइंड ऑफ थिंग. ओके, दो निगेटिव को मिला के आपको पॉजिटिव करना है सर, और पॉजिटिव करके आपको पॉजिटिव फीडबैक लेना है अंदर. सो दिस इज लीगल लैंग्वेज, दिस इज लीगल लैंग्वेज, राइट? सो लॉ इज वेरी हार्ड टू अंडरस्टैंड, एंड एस्पेशली व्हेन इट इज इन टर्म्स ऑफ प्रैक्टिकल एप्लीकेबिलिटी ऑफ लॉ, तो आपको बहुत दिक्कत होगी सर. प्रॉपर समझना है उसको, क्या चीज करनी है, बिकॉज इन एक्सपोर्ट व्हाट हैपेंस दैट व्हाट टू डू इज नॉट इम्पोर्टेंट, माइंड वेल. जो लोग एक्सपोर्ट इम्पोर्ट के चार पांच लोग अनुभवी है, एक्सपीरियंस है, उनको पता होगा कि क्या करना है एक्सपोर्ट में, वो इतना इंपॉर्टेंट और मायने नहीं रखना है जितना कि क्या नहीं करना है. एम आई राइट? प्लीज करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग. कुछ एक्सपोर्ट के जानकार लोग है यहाँ पे, क्योंकि क्या करना है वो तो सब आपको बता रहे हैं, लेकिन क्या नहीं करना है ना, वो चीज आपको केस स्टडीज ही बताती है. हम लोग सेकंड हाफ में केस स्टडीज चालू करेंगे कि केस स्टडीज किस तरह की, मतलब एक्सपोर्ट में किस लेवल पे प्रॉब्लम आपको आ सकती है. विजय कट्टी मैडम का आपको मैंने बताया कि IIFT विच इज एन एपेक्स इंस्टीट्यूट इन इंडिया फॉर टीचिंग एंड एक्सपोर्ट इम्पोर्ट, राइट? बट स्टिल दे आर नॉट वर्किंग ऑन अ केस स्टडीज बेसिस. I raised couple of questions to ma'am that, ma'am, do we carry on this kind of cases to be conducted into international courts or Indian courts concerned with export import business? Bola ki nahi sir, hum log padhate simply kya? Bole ki hum log padhate hai UCPDC, padha liya, URR padha liya. Uske articles to matlab, those are bad articles, black and white. There are two kinds of laws. The one is a common law and second is a civil law. Civil law means whatever the laws, those are codified into the law books. Common law, that is what the past precedents. पहले के जो भी judgments वगैरह आए हैं आपके पास, ठीक है, वो सब common law है. हमारी courts generally civil law पे जाती है ज्यादा, और freedom बहुत कम होती है judges को भी. We are falling into common law, civil law countries, and that is the reason that, you know, judges are having less freedom to interpret the law by themselves. Whatever that is written between the line into the law is to be judged by the concerned judge, right? लेकिन साथ में हमारी कोर्ट वो भी देखती है कि फला केस में इस तरह का जजमेंट आया था. आप सुप्रीम कोर्ट के या किसी भी कोर्ट के जजमेंट आप देखोगे तो उसमें ये सब इग्नोर होता है, ठीक है?